हेलो पीपल वेलकम टू स्लीपी क्लासेस आज के प्री क्योर के वीडियो में हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशंस एंड हेल्थ केयर से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में तो स्टार्ट करते हैं इंडिया ताइवान एंड डब्ल्यूएचओ से रिलेटेड हमारे पास जो पहला टॉपिक है इसमें क्या हो रहा है इंडिया दूसरी कंट्रीज़ के साथ डिस्कशन कर रहा है ऑन द इशू ऑफ अलाउंग ताइवान टू अटेंड वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एज एन ऑब्जर्वर सो इंडिया यू एस ऑस्ट्रेलिया जापान न्यूजीलैंड साउथ कोरिया एंड वियतनाम के साथ डिस्कशन में हैं एंड इन सात कंट्रीज़ में से ऑलरेडी जो चार कंट्रीज़ हैं यू एस जापैन ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड उन्होंने दूसरी चार कंट्रीज़ के साथ मिलकर जो कि कैनेडा फ्रांस जर्मनी एंड यू के हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को एक डिमार्श एक पोलिटिकल इनिशिएटिव साइन करके ऑलरेडी दे दिया है फेवरिंग दिस थिंग यानी फेवरिंग ताइवान्स अटेंडेंस ठीक है अब इंडिया के लिए ये जो इशू है इतना सीरियस क्यों है क्योंकि चाइना काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है अपनी वन चाइना पॉलिसी को लेकर जिसके तहत क्या है कि जो भी टेरिटरीज़ हैं चाइना की फॉर एग्जाम्पल चाइना क्लेम्स ताइवान मकाओ हांगकॉन्ग एससेट्रा एज इट्स टेरिटरीज तो चाइना का स्टांस ये है कि चाइना के अलावा या चाइनीज़ गवर्नमेंट जिसको भी भेजेगी जो भी डेलीगेशन भेजेगी उसके अलावा जो टेरिटरीज हैं वो अपने आप को अलग से वहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकती क्योंकि वो चाइना की जो एक यूनिफॉर्म गवर्नमेंट है उसको ये स्टेप अंडरमाइन करता है तो बेसिकली यही पूरा मुद्दा है इंडिया ताइवान चाइना एंड डब्ल्यू एच ओ का ठीक है अब ताइवान को अगर हम रिसेंटली कोविड नाइन्टीन के सिचुएशन में देखें तो ताइवान ने काफ़ी अच्छे से अपनी सिचुएशन को मैनेज किया चार सौ चालीस में से केसेस आए जिसमें से सिर्फ सेवन डेथ्स हुई तो नॉट इग्नोरिंग द फैक्ट कि ताइवान बिल्कुल चाइना के बगल में है उन्होंने फिर काफ़ी हद तक ग्रेटली मैनेज किया अपनी सिचुएशन को एंड इसी लिए जो और भी ज़्यादा उनका इस मीट में होना बनता है एंड ताइवान ने इससे पहले भी टू थाउजेंड नाइन से टू थाउजेंड सिक्सटीन में एज ए नॉन ऑब्जर्व नॉन वोटिंग ऑब्जरवर जो डब्ल्यू एच ए की मीट्स हैं उनको अटेंड किया हुआ है अब अगर हम अब डिमार्श को देखें सो डिमार्श क्या है इट इज़ द द पोलिटिकल इनिशियटिव जो कि एट कंट्रीज़ ने जो हमने पीछे देखी यू एस जापान ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड एट्सेट्रा तो उन्होंने मिलकर डब्ल्यू एच ओ को जो एक साइन uh, करके एक डॉक्यूमेंट दिया है फेवरिंग कि ताइवान को इनकलूड किया जाना चाहिए इन द डब्ल्यू एच ए अब ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है क्योंकि इन आठ कंट्रीज़ में से छः ऐसी कंट्रीज़ हैं जो टॉप टेन वर्ल्ड की इकोनमीज हैं एंड चार कंट्रीज चाइना के टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स में आती हैं तो अब दोनों तरफ जो जो सिचुएशन की ग्रेविटी है और भी ज़्यादा सीरियस है क्योंकि चाइना अगर इनका बॉयकॉट करेगा तो चाइना के लिए भी बाद में दिक्कत हो सकती है बिकॉज दीज आर इकोनॉमिक पावर हाउसेस एज वेल उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ जो एजेंसी है इसकी हम बात करें तो ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है डब्ल्यू एच ओ की जिसकी मीट हर साल होती है इन जिनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड इसका मेन फंक्शन क्या है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है हमारी डब्ल्यू एच ओ उसकी पॉलिसीज़ को डिटर्मिन करना एंड मोर ओवर क्या फाइनेंशियल पॉलिसीज़ होंगी उनको सुपरवाइज़ करना प्रोग्राम्स के जो बजट हैं उनको अप्रूव करना तो वो सब काम कौन करता है वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी करती है एंड वर्ल्ड हेल्थ एजेंसी अगर चाहे तो सिंपल मेजॉरिटी से ताइवान को एक मेंबर या एक ऑब्जर्वर का स्टेटस देके अपनी जो मीटिंग है उसमें इनवाइट कर सकती है एंड ये मीट एट मई मे से इफ आई एम नॉट रॉन्ग स्टार्ट होने वाली है ठीक है जी आगे बढ़ते हैं हम वन चाइना पॉलिसी को भी डिस्कस कर लेते हैं चलते चलते सो वन चाइना पॉलिसी बेसिकली जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजनस हैं चाइना के फॉर एग्ज़ाम्पल हांगकॉन्ग है मका है एंड ताइवान है इनको ये हक देती है कि आप अपनी जो इकनॉमिक एंड पोलिटिकल सिस्टम्स हैं उनको तो अलग रख सकते हैं लेकिन जब भी आ, दुनिया में कभी बात होगी तो आप एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का पार्ट बनकर ही दिखेंगे ऐसा नहीं कि आप अपने इंडिविजअल आइडेंटिटी नहीं दिखा सकते एंड दिस इज़ द रीज़न के ताइवान की जो uh, खुद से रिप्रजेंटेशन के ऊपर वर्ल्ड हेल्थ असम्बली में चाइना इज ग्रीवली कंसर्नड एंड अगर हम इस पॉलिसी के ओरिजिन की बात करें नाइनटीन सेवेंटीज़ में डेंगिंग uh, की जब जब उन्होंने अपनी कंट्री की लीडरशिप संभाली तो उस टाइम पर यह पॉलिसी को उन्होंने प्रपोज़ किया एंड विच केम इन टू तो उनकी इस पॉलिसी को वन कंट्री टू सिस्टम्स पॉलिसी बोला जाता था एंड इस पॉलिसी के तहत या जो डेंग का प्लान था उसके तहत ताइवान को अपनी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम है उसको रन करने की इजाज़त दे रही थी लेकिन उन्होंने बोला कि वो हमेशा चाइनीज़ सोवरेनिटी को मानेंगे ऑल दो वो अपनी सेपरेट आर्मी भी बना सकते हैं लेकिन दे विल हैव टू क्लेम कि वो चाइना की सॉवरेनिटी में है तो ताइवान ने हाउवर इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था लेकिन रिजेक्ट करने के बाद भी मेन लैंड चाइना ने अभी तक जो अपना क्लेम है वो अपनी इन सेपरेट एंटिटीज़ के ऊपर नहीं छोड़ा है इसीलिए चाइना इज सेंसिटिव अबाउट दिस थिंग ठीक है एंड इंडिया इज वन ऑफ द 179 आउट ऑफ 193 कंट्रीज जो कि इस चाइना uh, की पॉलिसी को रिस्पेक्ट uh, करते हैं एंड दे डू नॉट हैव एनी सेपरेट डिप्लोमेटिक रिलेशन्स विद ताइवान ठीक है इसके बाद हम आ, बात करते हैं दयामर भाषा डैम के कॉन्टेक्स्ट में तो रिसेंटली चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के नॉर्थ में टेरिटरी लाए करती है वहाँ पर यह डैम बनाने का जो काम है उसके ऊपर कुछ प्रोग्रेस करने के लिए अभी आ, उनकी कुछ बातचीत चल रही है तो इंडिया ने अपने रिजर्वेशंस रखी हैं इस डैम के बनाने के ऊपर ठीक है एंड ये डैम बनाया जाएगा इंडस रिवर के ऊपर एंड इसके बाद होगा क्या कि पाकिस्तान में जो इरिगेशन फैसिलिटीज़ हैं वो थोड़ी इम्प्रूव हो जाएंगी ये डैम बनने के बाद लेकिन अब इसमें मेजर इश्यूज भी हैं सबसे पहला इशू तो इंडिया के सॉवरनिटी को लेकर है हम हमारा क्लेम है पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो हमारी टेरिटरी है एंड दो फॉरन कंट्रीज पाकिस्तान चाइना उसके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन कर रही हैं तो ऑब्वियसली इंडिया इज़ रीज़िंग इट्स वॉइस उसके अलावा ये जो रीजन है इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो 300 सौ ऑन एन एवरेज एक मंथ में यहाँ पर आते हैं स्पेशली एट द प्रपोज साइट तो इसलिए इट इन फ्यूचर हो सकता है कि कुछ अर्थक्वेक अगर इतना बड़ा आ जाए तो इट माइट कॉज मैसिव डैमेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द नेबरिंग रीजन तो इसीलिए ये भी अगर हम इकोलॉजी एक, या एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सेफ़ भी नहीं है यहाँ पर डैम बनाना क्योंकि वो लाया करता है सेंट्रल एशियन फॉल्ट लाइन के ऊपर एंड एक और जो इंडिया का रिजर्वेशन है कि ये डैम बनने के बाद लद्दाख रीजन में वाटर की शॉर्टेज आ सकती है तो इसीलिए ये कुछ फैक्ट्स थे डायमर भाषा डैम के कॉन्टेक्सट में यहाँ पर हम मैप में देख लेते हैं सो so, अगर हम इस मैप को इग्नोर कर दे बिकॉज ये थोड़ा पाकिस्तान साइड ऑफ स्टोरी बता रहा है तो यहाँ ऐसे कुछ जो हमारी कश्मीर की टेरिटरी चलती है एंड दिस इज़ द साइट ऑफ द डैम जो कि इंडस रिवर के ऊपर बनाया जाएगा ये है आपका गिलगित बल्तिस्तान रीजन ठीक है जी आगे बढ़ते हैं केरला के पॉइंट ऑफ व्यू से अब एक आर्टिकल आया था द हिंदू में सो so, उन्होंने बताया कि के कैसे केरला ने काफ़ी अच्छे से जो अपनी कोविड नाइन्टीन की सिचुएशन है उसको हैंडल किया है सो बेंडिट लाइक बैकम से इंस्पिरेशन लेते हुए वी आर कॉलिंग इट कॉम्बैटेड लाइक केरला केरला की अगर हम बात करें इंडियन स्टेट्स के कंपैरिजन में केरला के जो सोशल इंडस्ट्रीज हैं फॉर एग्जांपल एमएमआर आईएमआर एंड अदर वीमेन रिलेटेड जो हमारे पास इंडस्ट्रीज होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं फॉर एग्जांपल एजुकेशन एट्सेट्रा तो इनफैक्ट दे आर सो गुड कि वो नॉर्डे कंट्रीज जो कि यूजली जो भी हमारे वेरियस इंडस्ट्रीज होते हैं उनमें टॉप ही कर रहे होते हैं तो उनके uh, बराबर के ही है, हैं केरला में इंडस्ट्रीज हैं ठीक है एंड उसके अलावा अगर हम देखें तो केरला में जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है इट इज़ अमंगस्ट द लोअर फॉर द कोविड इन्फेक्शन ठीक है एंड रिकवरी रेट भी काफी ज्यादा हाई रहा है केरला का मोर ओवर अगर आप फिगर्स uh, की बात करें तो जो नंबर ऑफ टेस्ट केरला ने कंडक्ट किए हैं वो सिर्फ टेन परसेंट परसेंट हैं ऑफ द नंबर ऑफ टेस्ट जो यूएसए ने किए हैं लेकिन जो केरला की स्ट्रेटजी रही है वो रही है कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की तो दोस्तों कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के बारे में भी हम पहले अपने प्री क्योर्स में डिस्कस कर चुके हैं लेकिन मैं आपको फिर से बता देता हूँ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का मतलब है कि अगर कोई इंसान एक इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट में है एंड फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉक्टर द नर्स है ना या उनकी फैमिली वाले तो आप उनको उनकी भी जो मूवमेंट है उसके ऊपर एक कंट्रोल रखें रिस्ट्रिक्ट करें ताकि कॉन्टैक्ट के थ्रू आगे ना बढ़ जाए वो चीज़ है ना ठीक है तो आ, इस वजह से चाइना सॉरी केरला ने जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की है वो काफ़ी अच्छे से की है एंड यही रीज़न है कि उनकी जो आ, जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी अच्छा रहा एंड मोटेलिटी रेट कम रहा इनफैक्ट 90% परसेंट ऑफ द पॉजिटिव केसेस जो डिटेक्ट किए केरला ने उनको ऑब्जर्वेशन के अंडर रखा गया एंड दैट इज़ वाई दे हैव अचीव्ड सच गुड नंबर्स इसके बाद जो आर्टिकल था वो केरला की लोकल गवर्नेंस इंफ्रा जो सोशल स्ट्रक्चर है उसके इफेक्टिवनेस को एंड जो मल्टी लेयर्ड पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर है उन सब को काफ़ी ज़्यादा प्रेज़ कर रहा था सो so, ऐसी चीज़ें आप अपने आंसर्स वगैरह में लिख सकते हैं एंड केरला की जो रेजिलियंस है जो उनकी एफिशिएंसी है वो हम इस चीज़ से भी नोटिस uh, कर सकते हैं कि बैक टू बैक केरला वाज अफेक्टेड बाय वन और द अदर नेचुरल डिज़ास्टर जैसे पहले फ्लड्स काफ़ी uh, खतरनाक फ्लड्स आए थे केरला में एंड उसके बाद नीपा वायरस का अटैक हुआ केरला में एंड नाउ कोविड नाइन्टीन तो बैक टू बैक जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे लड़ता हुआ केरला हैव सक्सेसफुली Controlled or you may maybe contained these disasters, so that is why we can say that Kerala is little efficiently and resiliently calm as compared to the other states. So, Kerala model is also a good model in the context of COVID 19. So, that is all in the context of this video. And now, before we wind up, let me inform you about the courses that we are running for UPSC 2021. जनरल स्टडीज़ के लिए प्री प्लस मेन्स बैच यानी हमारा पी सी एम बैच है जिसमें आंसर एवेल्यूएशन एंड विदाउट आंसर एवेन का जो ऑप्शन है अवेलेबल है आपके पास एंड आप इसको इंस्टॉलमेंट्स में भी परचेज़ कर सकते हैं ऐसे कोर्स है हमारा फॉर ट्वेंटी ट्वेंटी वन एंड ऑप्शनल के दो हमारे पास कोर्सेज हैं पोलिटिकल साइंस एंड सोशलॉजी उसके बाद इन सभी कोर्सेज़ की अगर आप कोई कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं पी सी एम प्लस एस ए या पी सी एम प्लस ऑप्शनल या पी सी एम एस एंड ऑप्शनल वो भी आपके पास ऑप्शन है एंड फाइनली हमारी प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है जिसमें आप विद वीडियो सोल्यूशन या विदाउट वीडियो सोल्यूशन आप परचेज़ कर सकते हैं इसके अलावा अगर आपको लगता है कि इन कोर्सेज को परचेज करे बिना भी आप हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं इफ़ यू लाइक वट वी आर डूइंग द क्वालिटी दैट वी आर प्रोवाइडिंग तो आप हमें डोनेट भी कर सकते हैं स्लीपी क्लासेज डॉट कॉम पर जाकर वहाँ पर डोनेट का बटन है सो दैट इज़ ऑल फॉर द Thank you for watching.